मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ओ भाई मजा आ गया खाने में यार। भाई लास्ट तक बने रहना यार, गोलगप्पे का टेस्ट बहुत अच्छा है अंकल का। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, काफी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि गोलगप्पे का ब्लॉग कब आएगा, बहुत से कमेंट आ रहे थे मुझे। तो उससे पहले मैंने मोमोज का ब्लॉग दिया था, इसलिए कि मैं गोलगप्पे के वीडियो पे अच्छी तरह से काम कर सकूँ। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। आज आप इस वीडियो को ना मैं पार्ट बाई पार्ट कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे मैंने बठिंडा के जो टॉप गोलगप्पे हैं जिनका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो जैसे प्रताप नगर हो गया, प्रताप नगर, अमर सिंह रोड, गोल्ड की, ठीक है, और भी काफ़ी जगह है, आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। सो गाइस, पहली स्टॉल का नाम है गुरुबख्श चाट भंडार। जैसे आप ये पुल चढ़ोगे प्रताप नगर वाला, जैसे उतरोगे राइट साइड पर, जैसे मुड़ोगे ना आप, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हाथ पे उनकी जो स्टॉल मिल जाएगी आपको, गुरुबख्श चाट भंडार। सो चलते उधर आप दिखाई। तो दोस्तों, अभी मैं आपको संतपुरा रोड से डायरेक्टली लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी पुल के ऊपर संतपुरा रोड से, तो आपको लास्ट तक बने रहना, ठीक है। जैसे जैसे मैं लेके जा रहा हूँ आप वैसे देखते जाना, क्योंकि जो लोग वीरगुलनी वगैरह से उनको अपना ही पता होगा, एक बार टेस्ट करके देखना उनकी पुल बहुत ही टेस्टी है। तभी आपको लेके जा रहा हूँ मैं, बस पहुँचने वाले हैं 2 मिनट के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ से राइट ले लेना है, ठीक है। ये हम उतर चुके हैं प्रताप नगर रोड, यहाँ से जोगी नगर, प्रताप नगर, प्रताप नगर, काफ़ी सारे रोड निकलते हैं, राइट ले लेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएंगे, बस थोड़ी ही नज़दीक है, लेफ्ट हाथ में की शॉप है यानी स्टॉल का गोलगप्पे का। सो फाइनली पहुंचने वाले हैं, बस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो ये रही सामने दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए दिन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अंकल जी से पूछा था कि मैं आपकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ, अंकल जी ने हाँ कर दी थी। और जैसे आप देख सकते हो, अंकल जी के जो गोलगप्पे का जो नाम है गुरुबख्श चाट भंडार, तो इनकी शॉप जोगी नगर, प्रताप नगर, गिल रोड भी बोलते के इसको, तो यहाँ पर इनकी शॉप लगती है। और अंकल जी यहाँ पर 23 सालों से अपना गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहे हैं। और देखो दोस्तों, बारिश पड़ रही है, बारिश में आपके लिए मैं वीडियो बना रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं शाम को आऊँगा। शाम से पहले मैं 2-3 बातें अंकल जी को बता देता हूँ। अंकल जी यहाँ पर 23 सालों से अपना गोलगप्पे का स्टॉल लगा रहे हैं, और अंकल जी का नाम है गुरुबख्श चाट भंडार। और पानी की बात करें दोस्तों, इनके पास 2 तरह के पानी है, करारा और मीठा, दोनों ही बहुत अच्छी है। इमली वाला पानी भी, जो करारा पानी है इनका, उसमें इमली का टेस्ट भी है और पुदीना का टेस्ट भी है, बहुत ही अच्छा पानी है। तो मैं फिर से यहाँ से फिर से रात कर देता हूँ। दोस्तों, अंकल जी यहाँ पर अभी अभी पहुँचे थे, तो वैसे ही मैंने फटाफट वीडियो बना ली थी। चलो मैं रात कर देता हूँ, अब रात का सीन देखो दोस्तों। तो दोस्तों, हमने रात कर दिया, आप रात का सिस्टम देख सकते हो। देखो, अंकल के गोलगप्पे ख़त्म होने वाले हैं दोस्तों, आप देख सकते हो कितना क्रेज़ है अंकल के गोलगप्पे का, तो ज़रूर खाना दोस्तों। बस अब मैं फ्रेंड को बोलता हूँ कैमरा पकड़े, मैं गोलगप्पे खा के दिखाऊँ कैसा टेस्ट लगा मुझे, तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। सो अभी मैंने इनका मीठा पानी भी टेस्ट किया और करारा भी, दोस्तों दोनों ही बहुत अच्छा है, लेकिन करारा वाला ज़्यादा अच्छा है। करारा में आपको पुदीना और इमली का टेस्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छा प्यारा टेस्ट है। और तो दोस्तों, जो मेरा फ्रेंड था उसने भी यहाँ पर बहुत बारी खाए हैं, लेकिन उसको भी इस बार बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लगता खाने में। तो दोस्तों, मैं इनके पास 6 सालों से आ रहा हूँ इनके पास, जब भी मैं इस रोड से गुजरता हूँ इनके गोलगप्पे में खा के ही जाता हूँ। और दोस्तों, बस आपको एड्रेस पता चल गया होगा ना, ये गिल रोड है दोस्तों, जैसे इसको प्रताप रोड भी बोलते हैं, गुरुकुल रोड भी बोलते हैं, जोगी नगर भी बोलते हैं, सो बहुत सारे नगर बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे रोड इधर से निकलते हैं ज़्यादातर। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है दोस्तों, पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू, ठीक है, ब्लॉगिंग वगैरह देखनी हो तो मैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय दोस्तों।